तो एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया डी ब्रोगली प्रिंसिपल के ऊपर, और दूसरा हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके okay, याद आ गया। ओके okay. मैं क्या बोल रहा था तुम्हें पता है वाला कि बात कहाँ स्टॉप हुई थी, सारे जमी वाला। यस, कि अगर तुम सोचो, एक बहुत आइंस्टाइन ने ही शायद कुछ बोला था ये चीज, ये सेंटेंस आइंस्टाइन है, ये जो पटर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ी हो। ओके, उन्होंने ही बोला था कि अगर तुम मछली को जज करोगे कि वो कितने जल्दी पेड़ पर चढ़ जाती है, तो मछली की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मछली, मतलब मछली खुद को अगर ऐसा सोचे कि मैं कितने जल्दी पेड़ पर चढ़ जाऊंगी, जब पेड़ पर चढ़ जाऊंगी तब मुझे सक्सेस, मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी। क्यों? बाहर निकलते ही मर जाएगी। ओके, तो वही मैं जो बता रहा था कि वो क्या था नाम उसका, तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, ऐसा ही कुछ नाम था ना। तो सोचो कि उसको भाई समझ में ही नहीं आ रहा था, 1+2 ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, दिमाग में ऐसे ड्राइंग चल रहा, और फिर देखो वो कितना बढ़िया ड्राइंग करता था। और वो जो मुझे याद आया था वो कहने वाला, शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, द गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसे हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर 10th बोर्ड में फेल हुए थे, फेल हुए थे 10th बोर्ड में। आज महाराष्ट्र बोर्ड जो है उसमें 10th क्लास में इंग्लिश का चैप्टर है सचिन रमेश तेंदुलकर, वो खुद फेल हुए थे 10th क्लास में, लेकिन ऐसी सक्सेस ली है कि उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है 10th क्लास में। सोचो, देखो अब दो लेवल, 10th में फेल हुए, आज ऐसी सक्सेस मिली है, ऐसी सक्सेस मिली है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10th में चैप्टर है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो जरूरी नहीं है कि तुम जहां फेल हुए हो वो एक्चुअल में फेलियर है, वो हम माने तो शायद तुम्हारे फोकस, तुम्हारी लाइन कुछ और है। वो चीज सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत बार बोली है कि अगर तुम मुझे जज करोगे कि मैं लता मंगेशकर जी जैसा गाना गा सकूं, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। और लता मंगेशकर जी को हम ऐसा बोले कि आप सचिन की तरह खेल के दिखाओ, वो नहीं हो पाएगा भाई, लाइन ही अलग है। बट वो जो मैं बता रहा था क्या, कि कोई स्टूडेंट का लेवल उतना भी डाउन होता नहीं है कि वो मतलब पढ़ ही ना पाए उसको, वो एक्सेप्शन केस है, मतलब सैकड़ों हजारों में एक या लैक्स में एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं। अदरवाइज क्या है, अपब्रिंगिंग, तुम्हारा सर्कल कैसा है, तुम्हारा सर्कल कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसा है, तो दोस्तों, दोस्त कैसा है, फ्रेंड सर्कल, ओके, उससे फिर सारे दोस्त लोग ऐसे ही है, आओ मतलब इकट्ठा हो, खाओ पियो चले जाओ, तो फिर उनके साथ इकट्ठा रहेंगे तो उनका माइंड भी वैसा ही रहेगा। ओके, अरे ये लोग तो पढ़ते नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं भाई, उनके पापा का बिजनेस है बड़ा बड़ा, वो तो भले ही ना पढ़े, भले ही फेल हो जाए, वो तो लैक्स का बिजनेस करेंगे इतने साल के बाद, तुम क्या करोगे, तुम्हारा है ऐसा बिजनेस नहीं तो पढ़ो, नहीं तो लोग बिजनेस संभाल ही रहे। सोचो अभी जो, अभी मैं खुद ही सोच रहा था कि वो मैंने बच्चों को कॉलेज लेवल पे बताया है कितना, कि यार हमें मेहनत करनी चाहिए, अभी तुम्हारा 100% दो पढ़ाई में, ओके, बट कभी कम मार्क्स आ जाइए वो तो ऐसा कुछ ज्यादा, आगे बढ़ना है उसके लिए जरूरी है, लेकिन तुम गड्ढे में ही कीड़े के पड़े बैठे हुए, मेरे से नहीं होगा ये, वो मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारा उस दिन ही बता रहे एजुकेशन किस चीज के लिए, तब तुम आए थे वो सब मिलने आए थे तब, एजुकेशन हमारे ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए, ओके, ये सब तो चलता रहेगा, मार्क्स ज्यादा आए थोड़े कम आए ये वो, ठीक है, आगे जाके जब सक्सेस की बात करेंगे, ओके, या ऐसा समझो कभी रीयूनियन हो रहा है स्कूल का, स्कूल का रीयूनियन अभी हमारा हुआ था लास्ट ईयर नारायण विद्या विहार का, अभी नेक्स्ट मंथ है रुक्मणी देवी लुंडा विद्यालय का, ओके, संस्कार भारती ट्रस्ट का, कितने साल बाद, 20 साल बाद रीयूनियन है, बहुत बड़े लेवल पे रीयूनियन है। सोचो अब सारे क्लास वाले, मतलब सपोज 120-100 स्टूडेंट्स आए और पूछे कि सब लोग कहाँ कहाँ पर है, ऑलमोस्ट सभी लोग सक्सेसफुल है अपनी अपनी फील्ड में, ओके,
अब वहां पर तुम चेक करो तो पता चलेगा तुम्हारी कितनी सैलरी है, तो वो बोलेगा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज पर मंथ। भाई तुम तो स्कूल में मेरा मार, टीचर बोलेगी तुम तो मेरा मार रोज खाते थे, ओके, या तुम तो लास्ट क्लास में लास्ट आते थे। अब उसका इतना सैलरी है, सोचो, और जो टॉपर होता, रैंक जो टॉपर होता उसकी शायद सैलरी कम है, ओके। मैंने तो ऐसे खुद एग्जांपल देखे हैं जब मैं बैचलर कर रहा था, कि जिसने 90+ परसेंटेज लेके आए इंजीनियरिंग में, ओके, वो जॉब कर रहा है 20,000 रुपीज की, और जिसका 60% आया है, जैसे तैसे करके 60% आया है, उसको भी जॉब मिली 20,000, और 3 साल के बाद वो बंदा जिसके 90+ आए थे वो 20 का 20 पे ही है, और ये 60% वाला 20 से 50 पे पहुंच गया। सोचो, अब तुम टाइम रिस्पेक्ट में देखो तो कहां, मतलब तुम बोल रहे 4 साल के लिए तुम मान रहे थे कि भाई तू आगे और ये तू पीछे, 10 साल बाद अगर हम मेजर करेंगे तो तू पीछे और ये आगे, तो डायरेक्टली कोई कोरिलेशन उसी दिन ये बताया था कि व्हाट यू आर अर्निंग एंड व्हाट इज योर एजुकेशन और व्हाट आर योर परसेंटेज, डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है, ओके। एजुकेशन किसके लिए है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, और ये आगे पीछे की बातें बताते रहता हूँ ना क्लास के टाइम पे, वो जरूरी है डे टू डे लाइफ में, हाउ एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, हाउ यू आर, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। सचिन तेंदुलकर की अभी बात कर रहे थे, उनकी बायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि उनके पापा के पास सजेशन मांगा था, तो उन्होंने सजेशन लाइफ में एक ही दिया था कि तुम अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाओगे तो चलेगा, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना, क्योंकि बाकी सारी सक्सेस फेलियर का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। अभी सचिन तेंदुलकर को अभी है, जब आएंगे तो उतना फैन फॉलोइंग सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस टाइम पर जो पीक पीरियड था वैसा है क्या आज? वैसा नहीं है। पहले आते थे तो पूरे रोड पे देखना, तुम फेयरवेल देखना उनका 2011 के बाद, पूरी मुंबई की स्ट्रीट एंड सब कुछ होर्डिंग्स, पूरे सचिन सचिन सचिन, ग्राउंड में एंटर हो तो पहले सचिन सचिन वही चलता रहता, उसके बाद धोनी आया, फिर कोहली, वो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के बाद खत्म। बट हाउ यू बिहेव, आज भी देखो राहुल द्रविड़ को सब लोग कितने रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी है, जब खेलते थे तब भी और खेल लिया उसके बाद भी। अभी इंडियन कोच राहुल द्रविड़ है, इंडिया टीम के कोच, तो हाउ यू बिहेव एज अ पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी राहुल द्रविड़ की, कितना भी गुस्सा दिलाए, कितनी स्लेजिंग करे, गालियां दे, ये वो बाउंसर मारे, ठीक है डाल तू, मैं तो अपनी बैट भी नहीं हिलाऊंगा, थकता रहे तू, ऐसे जाएगा बॉल आएगा ये वो बाउंसर मारेगा, बैठ गया लो, मतलब वो जो स्लेज कर रहा है वो परेशान हो जाता था कि भाई क्या है। तुम उनके बारे में कमेंट पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या है बंदा, इतना मतलब सही में वो कूल है सही में वो कूलनेस है, तुम बोलते हैं ना कैप्टन कूल, हाँ सही में इसे बोलते हैं कूलनेस, कितना भी कुछ करो। मैथ्यू हेडन ने एक बार बताया था, हम क्रिकेट पे जाने लगे, मैथ्यू हेडन ने एक बार बताया था कि अभी सबका एग्रेशन देखो ना तो कौन होगा, तो बोला था एग्रेशन तुम लोग मानते हो वो नहीं है, अगर रियल एग्रेशन कभी तुम्हें देखना हो ना तो फील्ड पे राहुल द्रविड़ की आंख में देख लेना, जो बाहर दिखता है ना ऐसे गालियां बकते हैं ये वो, अभी कोहली कैसे एग्रेशन, कितना एग्रेशन है, कितना कैप्टन एग्रेसिव, कैप्टन गालियां बोले थे एग्रेसिव, चिल्लाए थे एग्रेसिव, जंप कर बंदर जैसे उछलते, हम ऐसे ना नहीं बोल रहे हैं, गुड ओके, बट मैथ्यू हेडन ने बोला था कि अगर सही वाला एग्रेशन देखना हो ना तो राहुल द्रविड़ की आंख में देखना, ओके, उसे बोलते हैं एग्रेशन। एग्रेशन परफॉर्मेंस में आना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस में है कोहली का, नाम नहीं बोल रहे हम, लेकिन रियल एग्रेशन जहां होना चाहिए, आउटपुट वहां आना चाहिए, वहां दे दिया तो जंप करने की जरूरत ही नहीं, गाली बोलने की जरूरत ही नहीं, ओके। तो बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें है, वो हमारे सब लेजेंड थे, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, ओके, वो एकदम लेजेंड थे, उनके लिए मतलब
सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब क्रिस गेल ने ऐसा बोला था, राहुल द्रविड़, मतलब राहुल द्रविड़ मेरे जैसा खेल सकता है, राहुल द्रविड़ मेरे जैसा खेल सकता है लेकिन मैं राहुल द्रविड़ जैसा नहीं खेल सकता। राहुल द्रविड़ ने एक ही, जब वो रिटायर होने वाले थे, एक ही T20 खेली थी, फर्स्ट एंड लास्ट, और एक ओवर में कंटिन्यूअस 3 sixes मारी थी, तो सब शॉक हो गए, ये बंदा सिक्स भी मारता है ऐसे, क्योंकि इमेज कैसी थी कि टेस्ट प्लेयर है, द बॉल डिफेंसिव खेलते हैं, वैसी इमेज थी कि वो डिफेंसिव खेलेंगे, बॉल ज्यादा होंगे और रन कम होंगे, क्यों? क्योंकि उनको टेस्ट प्लेयर माना जाता था। ओके, एक ही T20 खेली थी, फर्स्ट एंड लास्ट, और एक ही ओवर में 3 sixes मारी, तो सब शॉक, ओह माय गॉड, ये क्या बंदा है, मतलब हम जो सोच रहे थे वो कुछ वो है ही नहीं, हमने गलत मान लिया है, लाइक दैट, दैट इज द थिंग। चलो प्रॉब्लम नंबर 13, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने, तो क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सा था, ये बाकी है हमारा 13, यस, सो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 गिवन है, चलो मास ये तो ना गिवन हो तो भी तुम्हें पता ही होना चाहिए, 9.11 × 10⁻³¹ kg। द काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, उसी की है, ओके, 3 × 10⁻²⁵ जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब हम सोचते रहेंगे कि भाई मास, काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा, कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है नहीं, और नहीं है ऐसा, ये तीन का कहां रिलेशन है, तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी वाला न्यूमेरिकल हमने अभी गिना था कल, एनर्जी आ रही है फोटोन की, फिर यहां पे थोड़ी यूज हो रही है और फिर निकल रही है, ये जो निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो कंसेप्ट में भी एच न्यू आता है, जो न्यू हमारे पास है नहीं और ना ही लैम्बडा है, सो हम काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगा दे जो हमें पता है, दैट इज हाफ mv2। हाँ यस, तो इससे हो जाएगा, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है तुम्हें, 3 × 10⁻²⁵ 1/2 m, m क्या है, 9.1 × 10⁻³¹ into v का स्क्वायर, तो v मिल गया यहां से, v डायरेक्ट मिला, हाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, v स्क्वायर है, तो क्या है 3 × 10⁻¹ ऐसा गिवन है −25, हाँ ठीक है −25 into 2 यस डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 10⁻³¹ क्या है, ये आया, इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 811.9979 मीटर पर सेकेंड, ये मिला वेलोसिटी, और लैम्डा ढूंढना है, मिल जाएगा अब तो, h by p, h upon mv, 6.626 × 10⁻¹⁴ divided by m, इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³¹ into v जो अभी ढूंढा वो, इसको लिख लो 812, ओके, तो हमें आंसर मिलेगा, ये आंसर ऑलरेडी है, उसको मैं 6.626 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मिल गया, डिवाइड कर लिया है, ओके, और डिवाइड करना है 9.1 से, और डिवाइड करना है 10⁻³¹ से, और मल्टीप्लाई करना है 10⁻³¹ से, तो आंसर आया है लैम्बडा, क्या बात कर रहे हो, मास कितना था, इतना छोटा मास था फिर भी आंसर आया ये, −3 × 10⁻³¹ मीटर, नहीं आया आंसर, नहीं आया, तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, ये आंसर आया क्या, 812 तो आ रहा है, यस, तो h अपॉन mv क्या किया, 6.626 करेक्ट ही तो है सब कुछ, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, फिर से कर लेता हूँ, 6.626 × देखो इसीलिए आंसर आया, तो मैंने बोला ना इतना कम मास है फिर भी ये आंसर आया, क्यों, हमें पता है डी ब्रोगली प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के लिए और वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए तो वैलिड है, जिसका मास कम हो,
तो यहां पर तो हमें छोटी सी वेवलेंथ मिलनी चाहिए, पिकोमीटर नैनोमीटर जैसी। ओके तो देखते हैं, फिर से गिनता हूं, 6.626 एच बाई पी एच अपॉन एम वी करेक्ट है, एम का फॉर्मूला सही लिखा है, 812 सही है, सही है, चलो 10^-34 ओके डिवाइड बाय 9.1 अच्छा डिवाइड बाय 10^-31 अच्छा डिवाइड बाय 812 हाँ सही है, ये गलत है। तो कैलकुलेशन क्या है, 8.9671 × 10⁻¹⁷ नैनोमीटर में आंसर लिखे तो प्लस में साइन तो माइनस, तो 896.71 ऐसा है, 896.71 तो क्या करें, 7